हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी। तो फिर फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार कार्यपालक सहायक से आई हुई जो है नई बहाली के बारे में, जो 8067 बहाली की घोषणाएं की गई है, इसमें क्या क्या सारी बातें हैं, तो पूरा इसका विस्तृत रूप से जानेंगे। इसके साथ ही चाहे वो बेल्ट्रांस के ऑपरेटर हो, चाहे कार्यपालक सहायक हो, चाहे अनियोजित कार्यपालक, सभी का डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए जो भी सूचनाएँ समय पर ले आते रहें। जैसा कि बीते दिनों जो है घोषणाएँ की गई कि 8067 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की जाएगी। मामला अब यह किसकी नियुक्ति की जाएगी, अनियोजित कार्यपालक सहायक की जाएगी या बेल्टन पास आउट कैंडिडेट की जाएगी या नई रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी, इसके मामला यह पेच फंसा हुआ है कि सभी अभ्यर्थी यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह बहाली किससे होगी। बहाली में स्पष्ट किया गया है कि बहाली बेल्टन से होगी। अब चूँकि बेल्टन कैंडिडेट भी हैं पास आउट, तो वह भी अपनी मांगों को लेकर ज्वाइनिंग के लिए आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। इसके साथ ही अनियोजित कार्यपालक सहायक भी हैं पूरे बिहार में 38 ज़िलों के, वह भी अपने ज्वाइनिंग को लेकर विभिन्न स्तरों से प्रयास कर रहे हैं और वह भी याचना कर रहे हैं। इस तरह यह जो सीटें हैं, इस पर सभी तरह के अभ्यर्थी जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जॉब्स के लिए। अब देखना है यह बहाली कैसे की जाती है, कि नई रिक्वायरमेंट फिर से निकाली जाती है। पूरा मामला क्या है, चलिए दिखाते हैं। ये आपको निकाला गया कि पंचायतों में कार्यपालक सहायक जो है एक एक और बहाल की जाएंगे। पूर्व में एक एक बहाली की गई थी पंचायतों में, अब एक एक और, यानी हर पंचायत में दो दो कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की जाएगी। और इसकी घोषणा सम्राट चौधरी पंचायत राज्य मंत्री ने जो है बीते दिनों की रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से, भाजपा कार्यालय में न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ये अवगत कराया कि जो है अब इसका जो है वैलिडेशन स्रोत, ऑफिशियली नोटिफिकेशन क्या कुछ है, उसका हम विधिवत जानेंगे। ये तो आपको कल अपडेट जो आपको दी गई थी वही सारी है कि अब सारी सुविधाएँ आपको पंचायत स्तर पर मिलेगी। और फिलहाल 7800 कार्यपालक सहायक हैं और शीघ्र ही 8067 जो है बहाली की जाएगी पंचायत में के कार्यपालक सहायक। और तो ये सारी बातें थी इसकी। अब जो बेल्टन कैंडिडेट हैं 7311, उसमें से अप्रॉक्स 3 से 4 हज़ार की बहाली हो चुकी है, रिमेनिंग 3 से 4 हज़ार के बीच में है। मतलब 4 हज़ार कहिए या 3,500 के बीच में ही है, 4,500 कैंडिडेट हैं जो कि अपने ज्वाइनिंग के लिए रुके हुए हैं। अब यह अध्याचना जाएगी विभिन्न जगहों से, तो उनकी बहाली की प्रक्रिया की जाएगी, की जा रही है, हो रही है। जैसा कि चलिए आपको दिखाते हैं, हाल ही में पब्लिक हेल्थ डिवीजन शेरघाटी में किया गया है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और गया जिला में किया गया है। जैसा कि गया डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये बेल्टन की बहाली की गई है। और ये हाल ही में देखिए 18 जनवरी 2022 को एक्सेप्टेड डेट है। तो बहाली ऐसा जितेंद्र कुमार की बहाली हुई है, देखिए बहाली हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। बहाली डिले होने का कारण यह है कि जैसे जैसे अध्याचना जाएगी उतनी ही बहाली होगी। बेल्टन के पास विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जितनी बहाली जाएगी उतनी बहाली होगी, जितनी अध्याचना जाएगी वह बहाली अपने स्तर से नहीं कर सकता है, क्योंकि न उसे पेमेंट देना है अपने स्तर से, वह एक माध्यम है सरकार का, गवर्नमेंट का। तो बहाली जो है गवर्नमेंट के द्वारा अध्याचना पे की जाएगी।
तो बेल्टान की बहाली हो रही है, जो 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट हैं, अप्रोक्स 3,500 से 4,000 के बीच में, इनकी बहाली जैसे भी जा रही है, विभिन्न जिलों से अध्याचना उस हिसाब से हो रही है। तो मतलब ये तो प्रक्रिया चल रही है। ये है कि इस बहाली में थोड़ा विलम्ब होने का कारण भी यही है कि जो बहाली है बहुत कम जाती है, मतलब 10, 15, 20, 25 जो भी सीटें हैं विभिन्न जिलों में विभिन्न डिपार्टमेंट से, तो यह इस तरह यह आपको कम मात्रा में दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब 4,000 या कैंडिडेट हैं, उसमें अगर 50 घट गया तो बहुत कम हुआ, 3,950। लेकिन यही अगर एक ही बार 2,000 का बहाली कर दिया गया तो अब 1,950 ही ना बचे, इस तरह बहाली नहीं हो रही है। तो बहाली तो हो रही है बेल्टान की, तो यह अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं अपने जाने के लिए, तो इनकी तो बहाली चल रही है बेल्टान। अब जो कार्यपालक सहायक है उनके लिए सूचनाएं हैं कि हाल ही में मुजफ्फरपुर में जिला में देखा गया कि उनके द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा एक जो पॉजिटिव न्यूज आया कि जिसमें कि कार्यपालक सहायक की रिक्त सीटों को आरक्षण मांगा गया हाई कोर्ट के द्वारा, और में भी यह सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, कहीं आने वाले दिनों में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है अगर रिक्त सीटें हैं कार्यपालक सहायक की। अगर अनियोजित कार्यपालक सहायक की अगर वहाँ पर बहाली होती है तो अन्य जिलों के अभ्यर्थी जो है पैनल में है वह भी अपनी मांग को अनवरत जारी रखेंगे। में भी आने वाले दिनों में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए आपको, चलिए दिखाते हैं, ये वही सारी बातें हैं कि आईटी असिस्टेंट की बहाली होगी 8,067, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पंचायती राज मंत्री जो है सम्राट चौधरी ने घोषणा की, और वेल्टान के माध्यम से बहाली होगी, ऐसी बातें कही गई। और ये वही सारी बातें हैं। इधर आपको चलिए, ये कार्यपालक सहायक अपनी मांगों को लेकर जन आंदोलन महा आंदोलन करने जा रहे हैं 17 फरवरी 2022 को बीपीएसएन पटना में अपने ज्वाइनिंग को लेकर। देख सकते हैं अपना, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। कार्यपालक सहायक के एक ही पैनल से आधे का नियोजन तो आधे का नियुक्ति क्यों नहीं, यही सारी जो है मांगों को लेकर ज्वाइनिंग को लेकर। अपनी मांगों को लेकर ज्वाइनिंग को लेकर ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं अभी। तो ये सारी अपडेट थी। अब कुछ क्या नया अपडेट, देखिए ये पंचम प्रस्ताव राज्य वित्त आयोग का है जिसमें यह अनुशंसा की गई थी। ये आपको 15 जनवरी 2021 को ये जो है वित्त आयोग के द्वारा निकाला गया था, देख सकते हैं। इसमें इसमें मोइन आपकी बातों का उल्लेख है कि नहीं, चलिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि ऑफिशियल जो है यह यही है। और इसमें विभिन्न सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ओवरऑल ऑल, उनकी पेमेंट से रिलेटेड इसमें की जाती है व्यवस्था। सभी वित्त आयोग जो होता है वह सभी प्रकार के भुगतानों की आयोग की अनुशंसा करता है, लेखा जो का एक तरह से समझिए वह करता है, एक फाइनेंशियल पोजीशन का काम करता है वित्त आयोग। इसमें अनुशंसा पहले ही कर ली जाती है कि कितना खर्चा एक्सपेंसेज होगा, क्या इनकम का स्रोत रहेगा, कहाँ से आएगा। तो यही सारी इसमें देखिए, इसमें ये आपको मानव बल की व्यवस्था की गई है, और देख सकते हैं पंचम राज्य मानव बल की व्यवस्था इसमें की गई है। और पंचायतों में देख सकते हैं ये एक एक कार्यपालक सहायक की व्यवस्था की गई है, कार्यबोझ काफ़ी बढ़ गया है, तो एक एक कार्यपालक सहायक दिया निकाल सकता है, और हर ग्राम पंचायत में दो दो कार्यपालक सहायक, आप देख सकते हैं ये दो दो कार्यपालक सहायक की बात कही गई है। 16,774 कार्यपालक सहायक के लिए, मतलब देखिए 8,000, देखिए मामला आ गया 8,367 थे, इसका अगर दो गुना कीजिएगा, मतलब पहले ये 8,300 पंचायत है उसमें एक एक कार्यपालक सहायक, अब दो गुना तो
आप जोड़ लीजिए इसे 8367 का 714 का 4 हासिल 1 6 7 6 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 3 7 8 16 मतलब 16734। तो वहीं कुछ और इधर उधर पंचायत घटा बढ़ा है, तो वहीं देख सकते हैं 16774 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति होनी है, जिसमें देख सकते हैं ये तो होनी, इसमें तो और कुछ हो गया है, मतलब 8067 में कुछ हो गया है, 7000 अप्रोक्स दे रहा है कि हो गया है, तो 9000 मान के चलिए 8767 और कुछ रिमेनिंग होगा, और इस तरह 2765 करोड़ रुपए का व्यय की आवश्यकता होगी। देख सकते हैं ये सिस्टम बार अनुदान की राशि से वहन किए जाएगा, मतलब ये वैलिड इंफॉर्मेशन है और ये आने वाले दिनों में आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ये देख सकते हैं तकनीकी सहायकों की व्यवस्था की गई है, लेखापाल सह, ये सभी का जो है कितना पैसा लगेगा, कितना एक्सपेंसेज होगा आने वाले दिनों में, जितने बहाली की गई है उस पर कितना खर्च होगा, इस सब की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, थोड़ा सा अगर प्रयास करते हैं सभी अभ्यर्थी। ये देखिए आप पंचायत में, ग्राम पंचायत में दो कार्यपालक सहायकों की आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत में दो कार्यपालक सहायक 8387 और दो और 20,000 × 12 माह, मतलब एक कार्यपालक सहायक की जो है सैलरी यहीं 14 से 15 हज़ार के बीच में होगी, अब तो बढ़ गया है लगभग 16 या 17 हज़ार के आसपास, 18 हज़ार के अप्रोक्स है, बिलो ही है, मतलब 16 हज़ार कुछ है, 311 इसका। तो और लेखापाल की देख सकते हैं 25,000 है, तकनीकी सहायक का 30,000 है, तो ये 2096 जो है लेखापाल बहाल हुए हैं, तकनीकी सहायक 2096, ग्राम कचहरी 8387 में जिसको 6,000 प्रति वर्ष, तो सबकी यहाँ पर एक प्रखंड कार्यपालक सहायक देखिए 534 प्रखंड है, उसमें कार्यपालक सहायक जो है 4 रहेंगे, 2136 एक प्रखंड में 4 कार्यपालक सहायक। तो इस तरह देखिए सभी की अनुशंसा की गई है यहाँ पर, कुल मिलाकर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिहार के युवाओं के लिए। अब देखना है ये इसमें क्या कुछ नया होता है, कि ये जो है 8067 के लिए नई वैकेंसी आती है, 8367 के लिए नई वैकेंसी आती है, या जो है 7311 जो रिमेनिंग कैंडिडेट है उनसे बहाली की जाती है, या जो अनियोजित कार्यपालक है विभिन्न जिलों में उनसे की जाती है, यह कोई स्पष्ट नहीं दिया गया है। लेकिन इतना स्पष्ट किया गया है कि बेल्टान से की जाएगी बहाली, लेकिन अगर बेल्टान से भी बहाली की जाती है तो देखिए बेल्टान में हम आपको एकदम 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, पहली बात सर्टिफिकेशन, कोई भी रॉन्गली न्यूज इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, 100% सर्टिफिकेशन क्लियरिफाई के साथ। डिले होता है, वीडियो का डिले होने का कारण है, ठीक है कुछ डिले होता है आपको अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक दी जाती है। तो अगर रिमेनिंग आपको 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट हैं पास बेल्टान के, तो 8367 में अगर 4,000 बहाली हो गया बेल्टान से, तभी तो 4367 रहेंगे। अब ये बहाली अगर देखा जाए तो अप्रोक्स अनियोजित कार्यपालक के लिए इनसफिशियंट है, मतलब कुछ तो हो सकता है, पूरे बिहार में 8 से 9 हज़ार अगर अनियोजित कार्यपालक होंगे, कम ही होंगे 7,000 8,000 के, या मैक्सिमम अगर 10,000 होंगे तो 4,000 बहाली हो सकती है। नहीं तो फ्रेशर सभी के लिए ओपन रिक्वायरमेंट निकाला जा सकता है बेल्ट्रांस से, और वहीं CBT लिया जाएगा जिसमें 60 नंबर का कंप्यूटर होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग 30 नंबर करना होगा, फिर टाइपिंग होगा हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी के लिए आपको 25 और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट होगा। ये सब क्वालिफाई करके जाएंगे तो आपको कहीं बहाली होगी, या जो बेल्टान में कुल 80,000 कैंडिडेट अपेयरिंग हुए थे जिसमें 15,000 अप्रोक्स पास हुए थे, और उसमें से टाइपिंग में मात्र 7,311 पास हुए थे, ये 15,000 रिटेन एग्ज़ाम में पास हुए थे और 7,000 टाइपिंग में, तो इनकी तो बहाली चल रही है और आधे बहाली हो गई है।
अब 15,000 ये कैंडिडेट थे, इसमें से 7,311 बहाली पास हुए हैं, तो ये भी 8,000 कैंडिडेट हैं, तो ये रिटाइपिंग इनकी ले सकता है, मे भी हो सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर ये सब बल्टान के ऊपर डिपेंड है क्या करता है क्या नहीं, तो 8,000 कहीं रिटाइपिंग के लिए बुला सकता है सब ये व्यक्तियों के लिए। अब जो भी है ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि रिटाइपिंग नहीं होगा या, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेल्टान कुछ भी कर सकता है, या तो फ्रेशर के लिए फिर से नया बहाली के लिए निकाल सकता है 8,067 के लिए, सभी जिसमें अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, कोई भी 10+2 इंटर हो और तो कंप्यूटर की जानकारी रखा हो तब आवेदन कर सकता है, या ये रिटाइपिंग के लिए 8,000 को बुला सकता है, या जो 4,000 हैं तो इनकी बहाली कर सकता है, लेकिन तब भी तो ये बहाली पूरी नहीं हो पाएगी, तभी तो 4,000 कैंडिडेट रहेंगे, तो कुल मिलाकर या जो अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं उनसे बहाली हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको नई अपडेट हाल ही में कुछ ज़रूर ही आएगा, क्योंकि अब देखिए नया सत्र भी आ गया है और मार्च अप्रैल में कुछ अपडेट आता ही है, कुछ रिक्वायरमेंट होता है, नई प्रोसेस आती है, नई वैकेंसी वगैरह, मार्च अप्रैल फरवरी चल रहा है और बजट सत्र भी आने वाला है, पूरा सारी उसमें संशोधन भी हो गया है, संशय भी किया गया है, कुल मिलाकर नई रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। तो आप अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर या कार्यपालक सहायक की तैयारी कर रहे हैं या इसकी वेट कर रहे हैं, तो आप इन सभी न्यूज़ से इन दिनों अपडेट बनाए रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अवसर मिल सकता है कार्यपालक सहायक या डाटा ऑपरेटर बनने के लिए। तो क्योंकि सीटें 8,067 है और ये किसी की भी हो सकती है, हमने आपको सारा स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक ऑथेंटिकल पूरा स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए क्या किया जाएगा, नई प्लानिंग गवर्नमेंट के द्वारा नया प्रोसेस लाया जाएगा बेल्टान के द्वारा या किसी भी द्वारा, या ये सब अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि देखिए स्पष्ट तो हो गया है कि बेल्टान करेगी, लेकिन अब बेल्टान के पास भी तो उतना सफिशियंट कैंडिडेट नहीं है, तभी तो सीट है, तो या तो अनियोजित मांग कर रहे हैं, अनियोजित की भी बहाली हो सकती है, अनियोजित कर पलक सहायक की, या जो बेल्टान के कैंडिडेट हैं पास आउट उनकी बहाली हो सकती है, कुल मिलाकर या नई रिक्वायरमेंट आ सकती है। अब क्या होगा क्या नहीं ये आने वाले दिनों में आएगा, तो आप जो भी हैं सभी छात्र छात्राओं से यही अनुरोध है कि आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखें टू द वेस्ट और अपने अंतिम लक्ष्य सरकारी नौकरी के पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें और अपनी मांगों पर जो है अपनी मांगों को अनवरत जारी रखें, निश्चित ही सरकार आपके बीच कुछ सकारात्मक प्रेरणा ले आएगी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है, चाहे आप अनियोजित कार्यपालक सहायक हो, चाहे बेल्टान के कैंडिडेट हो, चाहे जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हो, सभी के लिए निश्चित हैं, सभी के लिए जो है आने वाले दिनों में कुछ नई खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि साल नए हैं, इरादे नए हैं, बुलंदी नई है, जोश नया है, जुनून नया है, मंजिल एक ही है, लक्ष्य सरकारी नौकरी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कोशिश किए नहीं आता नहीं। तो आशा करता हूँ सभी चीज़ें स्पष्ट हो गई हो, अगर आप भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और सारी आपको क्यूरी को दूर करने की कोशिश की गई है, तो बने रहें, जुड़े रहें, और कल मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे। तो ये सारे देखिए ये सब वैलिड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है मार्च अप्रैल तक, या अब जो भी है जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन विथ सेटिस्फेक्शन के साथ दी जाएगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी क्यूरी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आने वाले दिनों में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है यही कि 17 फरवरी को अनियोजित कार्यपालक सहायक करने जा रहे हैं अपनी
मांगों को लेकर छात्र के द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर, छात्रों के द्वारा ही उपलब्ध सूचना के आधार पर सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई आपको। और कुछ इधर जो है बेल्टान के अभ्यर्थी भी अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, अपने मांगों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, चाहे अनियोजित कार्य पालक सहायक को भी कर रहे हैं। तो आप अपनी जो है मांगों को अनवरत जारी रखें, निश्चित ही आने वाले दिनों में आपके प्रति सरकार का जो है कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध है कि बने रहें, जुड़े रहें, कोशिश करते रहें, निश्चित ही आपके प्रति गवर्नमेंट जो है सकारात्मक रूप लाएगी और आपकी बहाली होगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कुछ नया अपडेट जैसे ही आएगी आपको दी जाएगी। अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये सारी देख सकते हैं प्रखंड कार्य पालक सहायक का, आपको जो लेटेस्ट यही है कि दो कार्य पालक सहायक सबसे बड़ी अपडेट यही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।